तो फाइनली गाइस कैसे हो आप सभी को, फिर से आप सभी का वेलकम होता हूँ अपनी एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपके लिए 5 बजे वीडियो लेके आऊंगा जो आपको काफी पसंद आने वाली, कुछ स्पेशल इवेंट आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार आपके इतने कमेंट आ रहे हैं कि भाई ग्लू वॉल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, ग्लू वॉल लेट लग रही है, तो उसके ऊपर वीडियो लेके आओ। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया जो भी फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, उनसे पूछा कि ऐसा सच में हो रहा है, तो उनका भी सेम रिएक्शन था कि हाँ ग्लू वॉल लेट लग रही है, दो दो तीन तीन सेकंड बाद लग रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली यार फिर मैंने जाके सेटिंग्स वगैरह चेक की, तो कुछ नई सेटिंग्स आई है गेम के अंदर जो कि ग्लू वॉल की रिगार्डिंग है। उसको ऑन करने के बाद आपकी ग्लू वॉल ऐसी मक्खन के साथ लगेगी ना यार, आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना यार गरीना ने इस ग्लू वॉल की स्कीम को इतना ज्यादा अच्छा कर दिया, मतलब हद से ज्यादा आपकी ग्लू वॉल अच्छे से लगेगी। आप यहां पर देखते हो मैं गेम बिल्कुल कम खेलता हूं, मतलब इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं खेलता, मतलब एक नॉर्मल प्लेयर जितना खेलता है ना उससे बिल्कुल कम, क्योंकि मुझे स्टडी वगैरह होती है तो उसके बाद और भी काम बहुत होते हैं जिसकी वजह से मैं गेम बिल्कुल नहीं खेल पाता। ठीक है, तो फाइनली यार आपको मैं बता रहे वालों कि किस तरीके से आप इतनी फास्ट ग्लू वॉल लगा सकते हो। मैंने मतलब हर तरह की गन के मतलब यूज करने के बाद लगाया, और यहां तक कि मतलब दोस्त बोल रहे थे कि हम लेफ्ट फायर बटन यूज करते हैं तो उसका भी बताना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि लेफ्ट फायर बटन से स्लो लग रही हो, तो फिर मैंने यार यहां पे सेटिंग्स में जाके ना लेफ्ट फायर बटन को ऑन किया। ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट फायर बटन यूज नहीं करता, आप यहां पे देख सकते हो लेफ्ट वाली साइड कोई भी फायर बटन नहीं है, ना ही राइट, मतलब कोई भी दो बटन नहीं है फायर वाले, तो फिर मैंने यहां पे सेटिंग में जाके लेफ्ट फायर बटन को भी ऑन किया। ठीक है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स जो है वो लेफ्ट फायर बटन से भी मतलब ग्लू वॉल को लगाते हैं, तो उसकी वजह से यार मैंने लेफ्ट फायर बटन को भी देखा कि शायद इससे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो फिर मैंने लेफ्ट फायर बटन को ऑन किया। ठीक है, अपने मेन फायर बटन के ऊपर रख दिया और अपने मेन फायर बटन को यहां पे इसका साइज बड़ा करके और इसको ऑलवेज मतलब ऑन कर दिया, तो तब मतलब ताकि ये लेफ्ट फायर बटन से ही ग्लू वॉल लगे। तो यहां पे ये सब करने के बाद ना तो मैंने फिर इसको भी ट्राई किया, आप यहां पे देख सकते हो मैंने यहां पे सारा कुछ करने के बाद ना अभी मुझे ऑलवेज करना भूल गया, मतलब मैं ऑन करना भूल गया था लेफ्ट फायर बटन को, तो यहां पे मैं फिर से आया कंट्रोल्स के अंदर, यहां से मैंने ऑलवेज पे किया अपना जो लेफ्ट फायर बटन। ठीक है, तो अभी इसको मैंने ऑन कर दिया, आप यहां पे देख सकते हो अभी जो लेफ्ट फायर बटन आप यहां पे देख रहे होगा आपको नीचे दूसरा वाला बटन है, ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट फायर बटन है। ठीक है, आपको यहां पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा दिख रही होगी अपने लेफ्ट फायर बटन की, मतलब वो जो अपनी अभी मैंने राइट में करके कर दिया हुआ। ठीक है, तो उसके साथ भी लगा के देखा, AWM के बाद मैंने शॉट मार के देखे, मतलब सबके बाद ग्लू वॉल्स एकदम से परफेक्ट, और इतना कंफर्ट फील हो रहा था ना, मतलब इतनी आसानी से लग रही थी यार, मैं तो मतलब फैन हो गया यार, गरीना ने कुछ तो अच्छा किया यार ग्लू वॉल के लिए। तो आपको जो प्रॉब्लम आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है यार, ठीक है, इतना आसानी से आप ग्लू वॉल लगा सकते हो ना। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको चाहिए होगी मतलब सेटअप वगैरह लगाने के लिए, लेकिन अगर आप कर सकते हो, लेकिन अभी आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस सेटिंग को जाके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली कंट्रोल्स के अंदर आना है, और कंट्रोल्स के आने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट थ्रू आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे नीचे ग्रेनेड स्लॉट के नीचे, जहाँ पे मैंने मार्क भी किया, टिक देख सकते हो आप, तो आपको इसको ऑन कर देना। ठीक है, अगर आपके पास ऑफ था ना तो उसको ऑन कर दो, ऊपर की तरफ जो ग्रेनेड स्लॉट है ना वो भी डबल, मतलब यहाँ पे सिंगल से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ना आपका ग्रेनेड स्लॉट और यहाँ पे ग्लू वॉल स्लॉट जो है ना मतलब अलग अलग हो जाएंगे, आपको ग्रेनेड के लिए अलग जगह रखनी पड़ेगी और जो है अपनी ग्लू वॉल के लिए अलग रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपनी ग्लू वॉल को वहीं पर रखो जहाँ पे आप पहले रख के खेलते थे। ठीक है, तो ग्रेनेड को कहीं दूर कर दो जहाँ पे आप मतलब आसानी से ग्रेनेड वगैरह थ्रो करने के लिए आपको यूज, मतलब आप आराम से ग्रेनेड को थ्रो करें जब तब आप उसको यूज करते हो। ठीक है, ग्लू वॉल का साइज मतलब जो ग्लू वॉल का ऑप्शन है ना उसका साइज और जगह एकदम से परफेक्ट वही रखना है ना जो आप रख के खेलते हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपना जो साइज है वो भी कम कर दो या फिर कुछ और कहीं और जगह पे रख के खेल रहे हो, तो ग्रेनेड को अलग कर देना है। ठीक है, स्मार्ट थ्रो ऑप्शन को ऑन करने के बाद, तो उसके बाद देखना यार आपका ना मतलब ग्लू वॉल ना मक्खन जैसी लगेगी यार, जितना पहले भी नहीं इतना अच्छे से लगती थी ना अब उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी पहले भी मैं ग्लू वॉल थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक लगा लेता था, क्योंकि मैं इतना गेम नहीं खेलता हूं, लेकिन थोड़ा सा ठीक लगा लेता था, लेकिन अब यार इसको ऑन करने के बाद ना मक्खन जैसी ग्लू वॉल लग रही थी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अभी तक। अगर आपको मतलब इस सेटिंग को ऑन करने के बाद ना आपकी ग्लू वॉल एक ही जगह दो दो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस सेटिंग को ऑन करके देखो, आपका एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काफी बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपको मैं बताने के चक्कर में ना पूरा कस्टम हार गया, ऊपर देखो 6 राउंड हार चुका हूं, तो अभी मुझे जीतना है, तो बस अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई ना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ये आपको काम आती है तो लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।